नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। अपने लोकप्रिय नेता के जन्मदिन के मौके पर देश भर में मोदी के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ केक काटे जा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक मोदी समर्थक जोरदार जश्न में डूबे हुए हैं। मां भारती के उपासक नए भारत के शिल्पकार विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति संकल्पित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। मोदी के समर्थक केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी के 73वें जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। अपने प्रिय नेता के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो एक दिन पहले ही जश्न शुरू हो गया था। यहाँ संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। हम लोग सनातनी परंपरा के अनुसार आज अखंड रामायण 24 घंटे का यहाँ करा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को बल मिले, शक्ति मिले और सफलता मिले। मोदी जी का 73वां जन्मदिन हम लोग विशुद्ध रूप से सनातनी धर्म की परंपरा को निभाते हुए मना रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि परंपरा बनी रहे और इससे जो ऊर्जा मिले वो सनातन धर्म को मिले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले। वहीं 73वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री को बच्चों की ओर से भी बधाइयां मिल रही हैं। यहां 73 किलो का केक काटा गया। वहीं वाराणसी के गंगा घाट पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विशेष गंगा आरती की गई। इस दौरान घंटा घड़ियाल के साथ पीएम के दीर्घायु की कामना की गई। कानपुर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जोरदार जश्न चल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं। पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तस्वीरों को लड्डू खिलाया जा रहा है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाइयां दी जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 73वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर छावनी मंडल के हम सभी समस्त कार्यकर्ता और हमारे सभी वरिष्ठ गण मिलकर आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जश्न मनाया और प्रधानमंत्री को बधाई दी। राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उनके जीवन के अलग अलग चित्र दर्शाए गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी में पहुंचे और पीएम मोदी को बधाई दी। तेलंगाना में भी बीजेपी कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विशाल कटआउट को दूध से नहलाया। इसके लिए बकायदा 2 क्रेन मंगवाई गई थी और उसी के सहारे हाथों में पार्टी का झंडा लेकर पोस्टर को दूध से नहलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।